जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट पिल्लू हाथ धो लग जाएगी जिंग 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 जिंगाट मलाजी संभाल के कुछ अर्जेंट काम आ गया है ये स्केच बन जाए तो मलाज सर के यहाँ पहुँचवा देना ठीक है ठीक है साहब बिल्कुल ऐसा ही था बाबा कितने खुश लग रहे थे ना आईफाई हम लोग को ना बाबा को रोज नारंगी पिलानी चाहिए आई एम सॉरी पिल्लू कल मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरी मजबूरी है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास मैं कल्याणी देशमुख अहीर की मौत की जिम्मेदार मैं अहीर को खत्म करने के लिए मैंने उस बच्चे का इस्तेमाल किया है उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है उस बच्चे की कोई गलती नहीं है बोलो बवार सर वो एनवेलप मिल गया ना आपको उसमें बच्चे का स्केच है सर ये क्या स्केच है मजाक चल रहा है कुछ अरे ये तो उस बच्चे का स्केच है जो चॉकलेट के एड में आता है असली स्केच कहाँ है आई फाइन हम लोग किधर जा रहे हैं बाबा तो दूर ले होंगे ना मेरे को और अब तो बाबा को पता भी चल गया कि मैं ही उनका मोक्ष हूँ पल्लू मुझे नहीं लगता कि तेरे बाबा को कुछ भी याद होगा क्योंकि तूने उनको नारंगी पानी पिलाया था ना और नारंगी पानी जो होता है ना वो पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता अरे हाँ हमारी चाली में वो जो शंभू भी नारंगी पीता है ना सुबह के बाद उसको कुछ याद ही नहीं रहता ये लोग पीते काय को है नारंगी एड़े लोग पर आप आए हम लोग जागा रहे हैं उस आदमी ने पैसे कमाने के चक्कर में गुमराह किया है हमें ऐसे कैसे पुलिस को बेवकूफ बना सकता है कोई सर रहने दो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे ठीक है सर इस कमरे में कैसे आया मैं काड़ा कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कल्याणी बोलो ना क्या कर रहे हैं हम लोग पिल्लू हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां तुझे अकेले नहीं रहना होगा जहां तुझे दुनिया से छुपना नहीं पड़ेगा जहां तेरे बहुत सारे दोस्त बनेंगे और तुझे कोई परेशान नहीं करेगा वहां पे और ना तो वहां पे वो मोगैम्बो अंकल आएंगे तुझे ढूंढने के लिए तुझे आउट हाउस में रखना मेरी मजबूरी थी पिल्लू और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तुझे ऐसे खुद से दूर आउट हाउस में रखना मुझे देखा नहीं जा रहा था पिल्लू आई एम सॉरी पिल्लू लेकिन ऐसे छुप कर रहना तू डिजर्व नहीं करता है इतने सालों के बाद तू मुझे मिला है और देख मैं कितनी बदनसीब हूँ कि तुझे दुनिया के सामने ला नहीं सकती
गणपति बाबा, दिस इज सो नॉट फेयर। पिल्लू देखना, तेरी आई तुझसे वादा करती है कि तुझे जिंदगी में ना वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो तू डिजर्व करता है। तू एक दिन ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी? अमिताभ बच्चन जैसा? हाँ? हाई। उनसे भी बड़ा। आई फाई, तुम मेरे साथी शो होगी ना? आइसक्रीम खाएगा पिल्लू? हाँ। मुझे माफ कर देना पिल्लू, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुझे बचाने के लिए कर रही हूँ। लियानी, अरे क्या मिलाया था काढ़े में? अभी तक सर घूम रहा है। कल्याणी, कल्याणी कहाँ चली गई? कल्याणी कहाँ चली गई है? कल्याणी, क्या हुआ मला? माई, वो कल्याणी नहीं दिख रही। हाँ, वो सुबह सुबह कहीं बाहर चली गई, पता नहीं, मुझे भी बताया नहीं उसने। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, ठीक हो ना? ओ सर, भारी है बहुत। मैं तुम्हारे लिए कोई दवाई देखती हूँ। ठीक है माई। कल्याणी, मेरे लिए सीडी मलार। अरे मलार, अवनी की तबीयत बिगड़ रही है, उसके डॉक्टर का नंबर है। सब छोड़ो, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, आओ। ये बेड एंड हम लोग इधर ही रहेंगे। तुझे हॉस्टल में रखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिल्लू। तू यहां रहेगा ना तो मलार जी तुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, हम दोनों इधर रहेंगे। अच्छा पिल्लू, तू मेरी बात सुन, लेकिन हम दोनों के सोने के लिए ये बेड बहुत छोटा है ना, इसीलिए मैं अभी बाहर जाऊंगी, फादर से बात करूंगी और उन्हें कहूंगी कि हम दोनों को सोना है एक साथ, तो हमें तो बड़ा बेड देना पड़ेगा ना। बाबा भी अपने साथ रहेंगे ना इधर? हाँ हाँ, मैं फादर से बात करके आती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैंने अवनी की दवा मंगा ली है और जब मैं सोरा को देखने आऊंगा तो अवनी की कंडीशन भी आपको बता दूंगा। थैंक यू। कल्याणी, अब तक नहीं आई। ये क्या,
नीचे उतरो बेड से, पहले ये चादर बिछाओ बेड पे और अपना ये सामान कवर्ड में जाकर रखो, फिर आकर बैठना। पर मेरी आईफोन। मैंने कहा ना, पहले ये चादर डालो बेड पे, चलो कम ऑन बाहर। फादर आप प्लीज वार्डन से कहिए ना कि उस बच्चे से इतना स्ट्रिक्टली बात ना करे, वो डर जाएगा, बच्चा है वो। या तो ना मैं उसे समझा कर आती हूँ। मैडम प्लीज आप अंदर मत जाइए, वो एक दो दिन में खुद को एडजस्ट कर लेगा। इन बच्चों के साथ इतना तो स्टिक होना पड़ता है, वरना उनमें डिसिप्लिन कैसे आएगा। अब तो चादर बिछा रहा हूँ ना, अब तो बता दो मेरी आईफाई कहाँ है। तुम्हारी आईफाई सब मिल जाएगी, पहले चादर डालने का काम पूरा करो। आप बिना फिक्र के यहाँ से जाइए। देखिए बहुत अच्छा बच्चा है, अब प्लीज इसका ख्याल रखना। यहाँ सभी बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। चल ठीक है, मैं एक आखिरी बार इसको बाय बोल कर आती हूँ। प्लीज प्लीज, आई डोंट थिंक कि आपको अंदर जाना चाहिए, वो आपको देखेगा तो कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ हम बच्चों को स्ट्रांग होना सिखाते हैं, अगर वार्डन ने आपको देख लिया तो यहाँ सबको पता लग जाएगा कि वो औरंगाबाद के डीएम का बेटा है। एक आखिरी बार बाय बोलने दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज, रूल्स आर रूल्स, आपने एक बार बच्चों को हमें सौंप दिया ना, और वो आपको देखेगा तो फिर घर जाने की जिद करेगा, और आपको देखकर लग रहा है कि आप भी कमजोर पड़ जाएं, सो प्लीज। अब तो चादर बिछा दिया ना, अब तो बुला दो मेरी आईफाई को। अरे बुला दो मेरी आईफाई को, वो पलंग बदलने के लिए बात करने गई है ना, एक दूसरे पलंग पे हम दोनों कैसे सो सकते थे। ये बेड सिर्फ तुम्हारे लिए है, इधर तुम्हारे माँ बाप को रहना अलाउड नहीं है, तुम्हारी आई जा चुकी है और अब तुम्हें भी यहाँ बाकी बच्चों के साथ ही रहना होगा। आईफाई के बिना? हाँ। हलवा है क्या? मैं नहीं रहूंगा अपने आईफाई के बिना, वो मेरे को छोड़ के ऐसे जा ही नहीं सकती। अरे रुको, बाहर जाने अलाउ नहीं, रुको। अरे बाबा आप बाहर किधर जा रहे हो? गाड़ी में मेरी आईफाई है। नो, गो इनसाइड। मैंने तुम्हें बोला था ना, बाहर जाना अलाउड नहीं है, गो इनसाइड। ये आईफाई मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम? तुमको किसने बोला कि लड़के नहीं रोते? अब रोना आएगा ना तो रोऊंगा ना, मुझे आईफाई मिलेगी ना तो उससे बात ही नहीं करूंगा। ठीक है चलो अंदर, तुम गेट पे जाओ, चलो।
बेटा रोते नहीं है, अब तुम्हें यहीं रहना है। चलो अब अपने आंसू पोंछो। बिल्लू, कल्याणी, कल्याणी ये देखो कल्याणी, मेरी बच्ची कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी तुम्हें पता, कल्याणी, कल्याणी मेरी बच्ची मिल गई मुझे कल्याणी। ये मेरी बेटी है कल्याणी, वही बेटी जिसे मैंने जन्म दिया था। आ कल्याणी, गणपति बापा का लाख लाख शुक्र कल्याणी, हमारी बच्ची मिल गई, ये जिंदा है कल्याणी, कुकु मेरी और सार्थक की बच्ची है। आई को क्या हो गया? आई बिल्लू को यहाँ लड़की बनाकर क्यों लेकर आई है और इसे अपनी बेटी क्यों बोल रही है? ये सब क्या चल रहा है? अनुप्रिया, ये हमारी बच्ची नहीं हो सकती। यही सच है सार्थक, ये हमारी ही बच्ची है। ये सब विवेक भाव का किया धरा था। कि आई क्या कहानियां बना रही है यहाँ पर, क्योंकि खुद तो मोक्ष है ना, और कहीं आई को सब सच तो नहीं पता चल गया। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया, बात बात पर विवेक का जिक्र हो रहा है। अरे किया क्या है विवेक ने, हम तो तुम्हारी झूठी बातों से ऊब चुके हैं। हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, एक मिनट, मेरे पास सबूत है, ये देख। माई की बच्ची जिंदा पैदा हुई थी, लेकिन इससे पहले माई को होश आता या घर के किसी सदस्य को पता चलता, मैंने वो बच्ची चुरा ली और उसकी जगह एक मरी हुई बच्ची रख दी। मेरे सिर पर बदले का जुनून सवार था, जाने से बदला लेने का यही तरीका मुझे सही लगा। मैंने वो बच्ची उस औरत को दे दी जिसे मुक्को अपनी अम्मा बुलाती है। उसे ये भी बता दिया कि अनुप्रिया या सार्थक पुलिस के बारे में ना बताए कि उनकी बेटी जिंदा है। विवेक देशमुख, कितने नीचे हैं आप लोग, कितने और जुर्म करना चाहते हो तुम मां बेटे? क्यों बोलती बंद हो गई? पूछ रहा हूं कुछ। जवाब इसलिए नहीं है ना क्योंकि तुम इतने सालों से बात जानती थी कि विवेक ने हमारे बच्चे को। आज ही आपको विवेक के साथ। अरे हम नहीं मानते ये सब, हम विश्वास ही नहीं करते इस वीडियो पर। विवेक चाचा भी क्यों झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिल्लू भी चुप है ये। हाँ सर, मैं समझती हूँ, ये खबर सुन के हम सब चौंक गए, लेकिन यही सच है सर, वरना आप ही सोचिए ना, आप सोचिए सार्थक, विवेक भाऊ जेल में होते हुए ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? और विवेक भाऊ तो ये भी सोचेंगे ना कि आपसे झूठ बोलकर क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन 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 कुछ नहीं सार्थक जी, मुक्कू हमारी ही बच्ची है। एक माँ अपनी बेटी को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, इसलिए मुक्कू जब भी मेरे आसपास होती थी ना,
मुझे कुछ महसूस होता था। सार्थक जी, हमारी बच्ची है ये, हमारी बच्ची। याद है, याद है आपने कितने सपने देखे थे हमारी बेटी को लेकर। आप ही कहते थे ना कि अगर हमें बेटी हुई तो आप उसे बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके जैसे ही बड़ा वकील बनाएंगे, है ना? आपने कहा था ना सर, हमारी मुक्कु लौट आई है, हमारे सपने लौट आए हैं। मुक्कु हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, आपकी और मेरी।